हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर प्रो। आज हम लोग होम बजट सीरीज के अंदर किचन बजट के बारे में सीखेंगे। किचन बजट बेसिकली क्या होता है? किचन बजट के अंदर किचन में जो भी खर्चा होता है वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे किचन के अंदर हमारे ग्रॉसरी यानी राशन आता है, वेजिटेबल्स हम लोग खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, लिक्विड्स जैसे मिल्क, दही, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, और गैस रिफिल भी हमारे किचन के ही अंदर आती है, और क्रोकरी। बेसिकली जो भी आइटम हम अपने फूड से रिलेटेड होते हैं वो हम जनरली किचन के अंदर या किचन बजट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किचन बजट कैसे बनाया जाए। हम लोग यहाँ पे किचन बजट सेम एज इट इज बनाएंगे जैसे कि हमने होम बजट बनाया था। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको इसे समझने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। किचन बजट बनाने के लिए हम कैटेगरीज और उसके टाइप्स बनाएंगे। कैटेगरीज बेसिकली जो चीज़ें हम राशन के अंदर इंक्लूड करते हैं उसकी हमने यहाँ पे बनाई है, यानी ग्रोसरी की कैटेगरी हमने बनाई है। जैसे ग्रोसरी की कैटेगरी में मैंने पहली कैटेगरी का नाम दाल है, राइस है, आटा है, स्पाइसेस हैं, स्प्रेड्स है, स्नैक्स है, ड्रिंक है, अचार है, ऑयल है, सॉल्ट है और शुगर है। दाल हम कई तरह के यूज़ करते हैं, जैसे अरहर दाल हो गई, चना दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, राइस में बासमती राइस और रेगुलर राइस, आटा में व्हीट फ्लोर हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, ये भी जो भी चीज़ें आप और यूज़ करते हैं उसको अपने अनुसार ऐड करते जाइए। इसी तरह से जैसे स्पाइसेस में रेड चिली, धनिया, गरम मसाला, स्प्रेड्स में पीनट जैम, चीज़ वगैरह वगैरह, जो भी, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी आप चीज़ें राशन में इंक्लूड करते हैं उसको कैटेगरी बनाइए और उसके टाइप्स इसमें इंक्लूड करते जाइए। सबका राशन अलग अलग होता है और वो क्या बनाते हैं वो उन पे डिपेंड करता है घर में, सो इसलिए आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कैटेगरीज और उसके टाइप्स बेसिकली बना सकते हैं। और किचन के अंदर केवल राशन ही नहीं बल्कि सब्जियां भी आती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह मैंने इसलिए छोड़ दी है यहाँ पे ताकि मैं अगर मुझे कुछ याद आए चीज़ें तो मैं बाद में इसमें ऐड कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। आप भी थोड़ी सी, जब आप चार्ट बनाएं तो थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं क्योंकि राशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप भूल भी सकते हो। फिर मैंने एक वेजिटेबल भी खरीदी जाती है, तो वेजिटेबल, फ्रूट, लिक्विड आइटम्स, गैस रिफिल और क्रॉकरी, ये मैंने कैटेगरीज बनाई हैं फॉर किचन बजट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सेम कैटेगरी और टाइप्स बनाए हैं, जैसे मैं होम बजट के लिए बनाया था वैसे यहाँ पे किचन बजट के लिए बनाया है। इससे हमारे जो मंथली किचन बजट जो बनता है या ईयरली किचन बजट जो बनता है उसमें बड़ी आसानी होती है, हम भूलते नहीं हैं चीज़ें और हमें जो टोटल सेविंग और टोटल एक्सपेंसेस होते हैं वो आसानी से पता रहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मंथली और ईयरली किचन बजट कैसे बनाते हैं। मंथली किचन बजट बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो भी हम एक महीने के अंदर आइटम्स जो भी हम लगता है हमारे राशन में वो हम सारे आइटम्स यहाँ पे लिख लेंगे। बेसिकली मंथली किचन बजट बनाने से ये फायदा होता है कि हमारे एक मंथ में कितना खर्च हो रहा है हमारे फूड्स के ऊपर या कितना खर्च हो रहा है हमारा किचन के लिए, तो ये हमको पता चल जाता है। टोटल एक्सपेंसेस और टोटल सेविंग भी हमें इससे पता चल जाती है, इसीलिए हम अपना मंथली किचन बजट बनाते हैं। तो ये जो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रॉसरी आइटम्स टाइप्स जो लिखे हुए हैं वो जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने ये कैटेगरीज बनाई थी और टाइप्स बनाए थे, तो ये जो टाइप्स हैं ये वही टाइप्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। या फिर दूसरे शब्द में बोलूँ तो जो भी आइटम्स हमें लगता है राशन के लिए वो सारे आइटम्स के नाम यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं।
और यहाँ पे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये मैंने पूरे साल भर के लिए एक चार्ट बना लिया है। यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो राशन के आगे, तो राशन का ये यहाँ पे ये नाम लिखा है, जैसे अरहर दाल, उसके आगे प्राइस लिखा हुआ है। ये जो प्राइस लिखा हुआ है, ये अरहर दाल का प्राइस है, जो कि जैसे मान लीजिए हमें 1 किलो अरहर दाल लगती है एक महीने में, तो उसका प्राइस मैंने लिख लिया 200 रुपये। ये फॉर एग्जांपल के लिए है ये सारी चीज़ें। और जैसे चना दाल मान लीजिए 1 किलो लगती है मुझे, तो 200 रुपये की लगती है। मूंग दाल मुझे 150 रुपये की लगती है, और वीट फ्लोर 300 रुपये का लगता है, मैदा 120 रुपये का लगता है। जो भी ये आइटम्स हैं उसके सामने उसके प्राइस यहाँ पे लिख लीजिए। अब सवाल ये होगा कि हम प्राइस कैसे पता लग रखें, कैसे याद रखें। तो उसके लिए आप जहाँ से भी सामान खरीदते हों, जैसे ऑनलाइन या ग्रॉसरी स्टोर से या फिर मॉल से, तो आपको रिसिप्ट मिलती है। आप उस रिसिप्ट को सही से रखिए और उसको अपने किचन बजट के लिए यूज़ करिए। आपको रिसिप्ट से उसके पैसे पता चल जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि कितना सामान हमने लिया था। जैसे रिसिप्ट में अगर आपने 1 किलो अरहर दाल लिखी होती है, तो उसके सामने 1 kg और साथ ही साथ उसके प्राइस भी लिखा होता है, तो वहीं से आप यहाँ पे उसके प्राइस सामने लिख सकते हैं, अपने राशन आइटम्स के सामने उसके प्राइस भी लिख सकते हैं। ऐसा अगर आप 1-2 महीने तक करोगे, तो आपको खुद ब खुद पता हो जाता है कि लमसम कितना प्राइस होता है और कितना खर्चा आता है। ये सब बस 1-2 महीने अगर फोकस करोगे, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे अपने राशन के नाम लिख लेंगे, जो भी हमारा 1 महीने के अंदर लगता है, और उसके सामने उसके प्राइस लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा टोटल ग्रोसरी जो एक्सपेंसेस हुई थी, राशन पे जो खर्चा हुआ था, वो 2,147 रुपये का हुआ है। और किचन के अंदर खाली राशन ही नहीं, बल्कि सब्जियाँ, फल, लिक्विड्स, गैस रिफिल, क्रॉकरी, ये सब आता है। तो वेजीज मुझे अगर मान लीजिए वेजिटेबल 1500 की हर महीने लग जाती है, फ्रूट 1500 के लग जाते हैं, लिक्विड भी आइटम जैसे मिल्क, दही, फ्रूट जूस, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो 2000 की लग जाती है, गैस रिफिल 1000 की लग जाती है, और क्रॉकरी 1000 रुपये मैं हर महीने निकाल देती हूँ क्रॉकरी के नाम से, ताकि मैं जब क्रॉकरी खरीदने जाऊं तो उसका बजट बजट अच्छा हो, और मुझे एक साथ पैसे लगाने ना पड़े, बल्कि हर महीने ही मैं उसके नाम से 1000 रुपये निकाल देती हूं, उसको अलग कहीं जमा कर देती हूं। तो इस तरह से जो भी आपके और जो भी आपका राशन में लगता है सारा सामान, वो लिख लीजिए, उसके ठीक सामने उसके पैसे लिख लीजिए। यहाँ पे जो देखिए टोटल एक्सपेंसेस, टोटल किचन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है हेडिंग, वो 2147 रुपये जो हमारा राशन का आया था, प्लस ये जो वेजिटेबल, फ्रूट, लिक्विड, गैस रिफिल और क्रॉकरी का जो ये जोड़ आया है, वो है 9147 रुपये। यानी हमारे टोटल किचन पे जो खर्चा हुआ है एक महीने में, वो 9147 रुपये का हुआ है। और मैंने अपना टोटल किचन बजट रखा था 11000 रुपये। होम बजट बनाते समय मैंने अपने किचन के लिए 11000 रुपये रखे थे, तो जो अब इस समय मैं 11000 में से 9147 रुपये अगर घटा दूं, तो बचते हैं 1853 रुपये। ये 1853 रुपये हमारी सेविंग्स हो जाएंगी। तो ये तो हुआ एक मंथ का हिसाब। तो इस तरह से मैंने जनवरी महीने में अपना टोटल एक्सपेंसेस पता कर लिया और अपने टोटल सेविंग पता कर ली। इसी तरह मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और पूरे साल भर का पता कर सकती हूँ, टोटल खर्चे और टोटल सेविंग्स। अगर सेविंग्स हो रही है आपके किचन के अंदर, तो फिर आप उस किचन की सेविंग से अपने किचन अप्लायंसेस खरीद सकते हैं नए नए, या फिर कुछ और भी चीज़ों में लगा सकती हैं पैसा, जहाँ पे भी ठीक लगे आपको। और इस तरह से आपको पता रहता है कि आपकी सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपने जो
बजट बनाया था किचन के लिए उसी के अंदर पैसा खर्च हो रहा है उतना ही कि फिर किचन के बजट जो बनाया था बजट से ज़्यादा खर्च हो रहा है। अगर किचन बजट जो बनाया था आपने उससे कम खर्च हो रहा है या उसके बराबर भी खर्च हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको उसे मैनेज करना चाहिए पड़ता है और आप उसको मैनेज कर सकते हो। कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको नहीं लो या कम मात्रा में लो, जिससे कि आप अपने बजट के अंदर ही पैसे खर्च करो फॉर किचन। और एक महीने में मान लीजिए आपने कोई राशन लिया, जैसे अरहर दाल आपने ली 200 रुपए की और वो बच गई, तो फरवरी महीने में आप उतना ही कम लें। मान लीजिए कि थोड़ी सी दाल बच गई है तो फरवरी महीने में आप 200 की जगह 150 रुपए का सामान खरीदिए। इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। और इससे आपको, क्योंकि ये जो मंथली बजट आप एक महीने का देख रहे हो, इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। अगर कोई चीज़ बच गई है तो हमें अगले मंथ में नहीं खरीदनी है उससे। इस तरह से आप अपनी सेविंग्स कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर आप एक दो महीने करोगे तो आपकी आदत भी पड़ जाती है और ये आपके लिए, इससे आपका राशन ख़राब भी नहीं होगा और बल्कि आपकी सेविंग्स भी होगी, जिससे आप किचन के लिए ही कई बेटर चीज़ें खरीद पाओगे और वो भी बिना किसी टेंशन के। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।